आज का फोटो शूट वॉच रहे से बहुत टाइम से आई वॉन्टेड टू शो डिफरेंट साइड ऑफ मी कि मैं सिर्फ ऐसा नहीं देख सकता हूँ, मैं ऐसा भी देख सकता हूँ और वैसा भी देख सकता हूँ. सो आई कोलैबोरेटेड विथ मनीष कुमार, ही इज़ अ डिज़ाइनर, उनके कपड़े पहन रहा हूँ. एंड फोटोग्राफर इज़ मयूर छाबरिया, वेरी यंग टैलेंटेड फोटोग्राफर. एंड द हेयर स्टाइलिस्ट अनुज, जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही फंकी लुक दिया हुआ है मुझे. सो यू नो इस तरह के आउटफिट्स, इस तरह का हेयर स्टाइल मैंने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया है. सो द मेन मोटिव बिहाइंड दिस फोटोशूट इज़ टू डू समथिंग डिफरेंट, क्योंकि हम आर्टिस्ट ना हमेशा बहुत भूखे होते हैं कुछ अलग करने के लिए, अलग अपना एक अलग एंगल, अलग एक साइड दिखाने के लिए हमेशा हमें वो एक भूख रहती है. सो इस फोटोशूट के पीछे यही मोटिव है कि आई वॉन्ट टू शो अ डिफरेंट साइड ऑफ मी टू द व्यूअर्स एंड ऑडियंसेस. ये मेरा सेकेंड लुक है, इसके बाद हम दो तीन और करने वाले हैं. वी आर कीपिंग इट वेस्टर्न ओनली बिकॉज ये जो लोकेशन है इट्स अ लाउंज, इट्स अ रूफ टॉप लाउंज. एंड लोकेशन के हिसाब से वेस्टर्न के अलावा और कुछ मैच नहीं करेगा. सो कीपिंग इन माइंड कि किस तरह का लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे बार काउंटर है, इट्स अ प्रॉपर रूफ टॉप लाउंज, तो यहाँ पे वेस्टर्न ही अच्छा लगेगा. सो वी आर कीपिंग एवरीथिंग दैट इज़ वेस्टर्न. प्रोबेबली नेक्स्ट फोटोशूट मैं कुछ इंडो वेस्टर्न में करूँगा, एथनिक वेयर में करूँगा, विच विल अगेन शो अ डिफरेंट साइड ऑफ मी. मुझे बहुत टाइम लगता है, झूठ नहीं बोलूँगा कि 5-10 मिनट ही लगता है, बहुत टाइम लगता है मुझे. यूजली सब लोग बोलते हैं कि रेडी होने में लड़कियों को ही टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है. इफ़ यू वॉन्ट टू लुक गुड इट टेक्स टाइम बिकॉज रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे. सो एवरीथिंग दैट लुक्स गुड, ग्लॉसी, वाइब्रेंट, ट्रेंडी, फंकी टेक्स टाइम. तो मेकअप में 10-15 मिनट लगते हैं, और फिर इस तरह की हेयर स्टाइल अचीव करने में और 10-15 मिनट लगते हैं, और फिर आपके कपड़ों की सिलेक्शन, यू नो अगर पहले से आप सिलेक्ट करके भी रखते हो कि अच्छा, लेकिन एंड मोमेंट बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो इट टेक्स मी गुड 45 मिनट्स टू गेट रेडी. नहीं मैं खुद से रेडी नहीं होता हूँ, बिकॉज हम सब ये जानते हैं कि टीम वर्क के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. कोई भी अच्छी चीज़ अचीव करनी हो तो एक टीम की ज़रूरत होती है आपको. बिना टीम एफर्ट, बिना टीम के कॉन्ट्रीब्यूशन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है. जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा मेकअप किसी ने किया है, मेरा हेयर किसी ने किया है, मेरे कपड़े किसी ने किए हैं, तो सब कुछ जो मैं अभी देख रहा हूँ, अगर मैं अच्छा भी देख रहा हूँ, तो पूरा क्रेडिट इन्हीं लोगों को जाता है जिन लोगों ने ये लुक अचीव करने के लिए मेहनत की है. इन डे टू डे लाइफ मैं बहुत मूडी हूँ कपड़ों के मामले में. इट डिपेंड्स ऑन द डे, टाइम, मूड, सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है. बट हाँ, अगर मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ या किसी फंक्शन में जा रहा हूँ या किसी इवेंट में जा रहा हूँ, तो मुझे सबसे बेस्ट दिखना पसंद है. एंड वो हर किसी को पसंद है कि वो बेस्ट दिखे, बट वैन आई से मुझे बेस्ट दिखना पसंद है, तो आई डोंट ओवर डू थिंग्स. मैं मिनिमल रखता हूँ कि कम में कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल और जितना ज़्यादा अच्छा लग सकूँ, वही ट्राई होती है. बट एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसा आउटफिट है जिसमें मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, तो आई विल स्क्रैप इट बिना सोचे समझे. भले ही उसका डिज़ाइन आज तक किसी ने ना पहना हो, लेकिन फिर भी मैं नहीं पहनूंगा अगर मैं उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ. बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर आपको अच्छा दिखना है, तो सबसे पहले यू शुड बी कंफर्टेबल. अगर आप वो पहन के कंफर्टेबल फील कर रहे हो, देन यू विल लुक द बेस्ट. अगर आप नॉर्मल से नॉर्मल कपड़े भी पहनकर कंफर्टेबल फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो वो यू नो सिंपल कपड़े भी उसका लुक अलग ही निकल के आता है. बट इफ़ अच्छे से अच्छे कपड़ों को आप अच्छी तरह से कैरी कर सकते हो, आप कंफर्टेबल फील करते हो, देन इट इज़ लाइक एन आइसिंग ऑन द केक. शाहिद कपूर, आई थिंक उनका स्टाइल स्टेटमेंट बहुत ही सुपर्ब है. वो ओवरडू नहीं करते हैं, वो जो भी पहनते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही स्टाइल से, बहुत ही कॉन्फिडेंटली कैरी करते हैं. सो आई लाइक हिज स्टाइल स्टेटमेंट एंड आई लुक अप टू हिम व्हेन इट कम्स टू फॉलोइंग ट्रेंड्स. बिकॉज चाहे वो डे टू डे लाइफ में जो कपड़े पहनते हैं या फिर अवार्ड शो में भी कपड़े पहनते हैं, ही डजेंट ओवरडू थिंग्स. मैंने ऐसे ओवरडू थिंग्स कुछ स्टार्स है जो हम जानते हैं कि बहुत ओवरडू करते हैं कि अरे ये क्या पहन लिया. मैं अगेंस्ट नहीं हूँ उनके, बट मुझे वो थोड़ा सा ओवर लगता है कि जस्ट टू ग्रैब आई बॉल्स आप
you know, but that is completely okay. But this is my personal choice कि मैं overdo नहीं करता हूँ. For example, ये blingy jacket है, right? इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही इतना stylish है, इतना trendy है कि आपको और कुछ लगाने की और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. So this is what I call not overdoing things. आज मैं फ़ोटो शूट कर रहा हूँ मनीष कुमार के लिए. सो उनके कपड़े पहनना पसंद कर रहा हूँ मैं, इसीलिए उनके साथ फ़ोटो शूट कर रहा हूँ. मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि क्योंकि आज मैं फ़ोटो शूट कर रहा हूँ तो मैं स्टाइल की बात करूँगा. हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे कि किसी को कॉपी मत कीजिए, सिर्फ इंस्पायर होइए, इन्फ्लुएंस होइए, कॉपी मत कीजिए. क्योंकि आपका खुद का जो ऑरा है, आपकी खुद की जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, वो किसी और की तरह नहीं है, ना ही उनकी आपकी तरह है. आप सब लोग यूनिक हो. आप बस पहचानिए कि आपके अंदर की यूनिकनेस क्या है, एंड उसको एज ए स्ट्रेंथ इस्तेमाल करके आप जो भी कपड़े पहनेंगे आप पे अच्छे लगेंगे. अगर आप किसी को कॉपी करने की कोशिश करोगे कि वो ऐसा चलता है तो मैं ऐसे चलूँ, वो ऐसे खड़ा होता है तो मैं ऐसा खड़ा हूँ, तो वो फेक लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, फिर चाहे आप कितने भी अच्छे कपड़े क्यों ना पहनो. तो आप वही करिए जो आपको करना है, एंड आप अपने ऑरा को, अपने कॉन्फिडेंस को अच्छे से कैरी कीजिए, फिर देखिए आप बहुत अच्छे लगेंगे. फिटनेस, मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, मैं डाइटिंग नहीं कर सकता, पर अगर मैं 1000 कैलोरीज इनटेक करता हूँ, एक्स्ट्रा 1000 कैलोरीज, सो आई मेक श्योर कि मैं रनिंग करके, डांसिंग करके या कोई भी एक्टिविटी करके उन 1000 कैलोरीज को बर्न कर दूँ. एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिट रहने के लिए आप स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि अगर आप डेली स्ट्रेस लेंगे कि अरे मुझे वर्कआउट करना है, शिट मैं आज वर्कआउट नहीं कर पाया, तो आपका वेट कम नहीं होगा, आप फिट भी नहीं दिखेंगे. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग टू लुक फिट इज़ टू बी हैप्पी. आपको जो खाना पीना है आप खाइए पीजिए, खुश रहिए, एंड बिना स्ट्रेस के वर्कआउट कीजिए. व्हेन आई से वर्कआउट डजंट मीन कि सिर्फ वेट ट्रेनिंग. अगर आपको जॉगिंग करके खुशी मिलती है आप जॉगिंग कीजिए, अगर आपको डांस करके खुशी मिलती है आप डांस कीजिए. एनी एक्टिविटी, अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है तो आप स्पोर्ट्स खेलिए. हर किसी को कोई ना कोई एक्टिविटी पसंद होती है, तो आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए एंड अपनी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कीजिए.